हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पूरे वीक में प्लस जो 1 जुलाई को मंडे को मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से ये अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे होने वाले हैं। इस मंथ का कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया तो हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे नेक्स्ट वीक में किस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम हो सकता है। तो अगर आज की बात करेंगे तो पिछले कुछ दिनों से हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि एक दो वीक से हम लोग को मतलब 10-15 दिन हो गए लेकिन एक भी एक बड़ा कैंडल इस तरीके का देखने को नहीं मिला जो कि अक्सर हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो आज का ऐसा दिन था जहां पे हम लोग को बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न देखने को मिला। ये 2864 से लगभग इसने 2930 का एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे आज के दिन मोमेंटम दिया है। ठीक है, तो साथ में हमने कल क्या बात किया था, हमने बात किया था कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखेंगे और ये ट्रेंड लाइन 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर क्लोजिंग उसके ऊपर मिलेगा तो हम लोग कुछ कुछ इसके बारे में सोच सकते हैं। तो आज के दिन अच्छा क्लोजिंग मिला है और जो भी अपने लेवल्स थे उनको ब्रेक करके ये ऊपर की ओर गया है, तो हमने जो लेवल डिस्कस किया था उसको भी उसने हिट किया है। सीधे हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ से कुछ पॉइंट्स निकालने की कोशिश करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आपको याद होगा हमने डिस्कस करके पहले से रखा था कि यहाँ पे 2 वीक रुका, ठीक है, इसके पहले भी जब मंथली टाइम फ्रेम पे नीचे जाता तो किस तरीके से सस्टेन करके ऊपर निकल जाता है, लेकिन इस बार कुछ अलग ही हो गया है। इस बार 1, 2, 3, 4 मंथ से सेलर्स ट्राई कर रहे हैं कि ये नीचे की ओर निकल जाए और यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाए, लेकिन हर मंथ में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, पुल बैक देखने को मिल रहा है और क्लोजिंग ऊपर की ओर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और बायर्स की बात करें तो यहाँ पे बायर्स ऊपर लेके जा रहे हैं लेकिन सेलर्स यहाँ पे जब भी ऊपर का लेवल हिट करता है तुरंत नीचे की ओर लेके आ जाते हैं। लेकिन हमारे लिए पॉजिटिव क्या पॉइंट है, यहाँ पे हर बार का हाई यहाँ पे अलग है, डिफरेंट है, ऊपर की ओर है। ठीक है, लेकिन जो ये लो लगा था अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ है, ना कि इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लोअर साइड देखने जाएंगे तो सेफ है एंड ऊपर साइड देखने जाएंगे तो स्ट्रांगनेस थोड़ी सी नजर आ रही होगी। नो डाउट यहाँ पे क्लोजिंग जो मिला है थोड़ा सा मतलब जो भी लास्ट 4 महीने से इंडिसेस जो कैंडल बन रहा है वैसा ही मिला है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंडिकेशन ये मिल रहा है कि इतनी सेलिंग एब्जॉर्ब करने के लिए इतना टाइम तो लगता है बॉस। क्यों? क्योंकि जब भी बहुत बड़ा, देखिए यहाँ पे 1 महीने में इतना बड़ा कैंडल बना तो यहाँ पे 2 महीने एब्जॉर्ब करने में चले गए। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कैंडल बनाते तो बात अलग है, लेकिन 1 मंथ में इतना बड़ा कैंडल बनना तो उसके बाद यहाँ पे उसको एब्जॉर्ब करने में, इसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग को 4-5 मंथ यहाँ पे हॉल टाइप सिचुएशन देखने को मिला है। अब पॉजिटिव इंडिकेशन हमारे लिए ये है और बहुत ही अच्छी ये बात ये होगी कि अगर ये अपना इस कैंडल का हाई जो कि 3035 के आसपास है और इस जो अभी मंथ क्लोज हुआ है इसका हाई 3027 के आसपास है, तो इस मंथ का हाई अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग हायर प्रॉबिलिटी के साथ रहेंगे और ये 3400 को आके हिट करेगा, इसकी भी प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो इसके बीच में हमें कहीं रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे इस तरीके से प्लान करेंगे, लेकिन टाइम फ्रेम के हिसाब से तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो हम लोग को थोड़ा सा ऊपर की ओर की प्लानिंग लेवल्स देखने को मिलेंगे। राइट, और 4 महीने यहाँ पे रुक चुका है मतलब अब यहाँ पे बायर्स अगर बाइंग होता है तो बहुत तेजी से ऊपर की ओर जाएगा, ये भी इंडिकेशन यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है। ये हो गई ऊपर की बात, लेकिन क्या हो कि अगर ये नीचे की ओर आके ये 2760 का लेवल ब्रेक डाउन कर दे, ठीक है, ऐसे किसी सिचुएशन में ये हमें नीचे के लेवल्स दिखा सकता है और लगभग हमें ऐसे सिचुएशन में 2600 के लिए रेडी रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो रेंज बना है इसका 1:1 हम लोग प्लान करेंगे तो ये इन्हीं लेवल्स के आसपास आएगा, हो सकता है 4-5% ऊपर नीचे हो, लेकिन इसी परसेंट के, क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम पे है इसीलिए हम लोग यहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा परसेंटेज का यहाँ पे रेंज ले रहे हैं। ठीक है, ये लेवल से हिट करके फिर से वापस आ सकता है। राइट, हम लोगों को कुछ नहीं करना है, इस मंथ के कैंडल का हाई को फॉलो करना है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो इस तरीके से बन जाएगा जिसको हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। अब वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें किसी भी और क्लियर डायरेक्शन नहीं देखने को मिल रहा होगा, लेकिन इस वीक में यहाँ पे इस कैंडल का ओपनिंग, ठीक है, प्लस इन दोनों कैंडल का हाई बहुत पास में देखने को मिल रहा होगा जो कि हमारे लिए बहुत एक, जब भी टेक्निकली 4-5 लेवल हमारे एक साथ मिल जाते हैं तो हमें यहाँ पे डिसाइड करना ईजी हो जाता है कि किस तौर ये डायरेक्शन दे सकता है। तो नेक्स्ट वीक में अगर ये अपना हाई करता है तो ठीक है, सबसे पहले और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो इसके सामने आने वाला है ये होगा ये लगभग ये लेवल जो कि 2950 के आसपास का है। अगर 2950 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो सीधे ये अपना लेटेस्ट हाई जो है 3025 के आसपास यहाँ पे आके आएगा और इन लेवल्स के आके आसपास आके ट्रेड करने लगेगा। हाँ, ये लेवल हिट होने के बाद क्लोजिंग नीचे नहीं मिलनी चाहिए, इस लेवल के आसपास मिले या फिर इसके ऊपर मिले। एक बात आपको और बताऊं कि बायर्स अब कोशिश करेंगे कि अगर ये यहाँ से ऊपर क्यों निकलता है तो ऐसी क्लोजिंग ना मिले जैसा इन दोनों
दोनों कैंडल में मिला है, क्योंकि अगर ऐसी क्लोजिंग मिलती है तो फिर से सेलिंग आ जाएगा, ठीक है। अगर लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो हम लोग यहाँ पे इसको ऊपर की ओर प्लान कर सकते हैं। हमारा पहला लेवल आपको याद होगा 3200 के आसपास का हमारा यहाँ पे पहला लेवल है जो टारगेट है अपना, राइट। तो नेक्स्ट वीक में ब्रेकआउट मिलता है तो बायर्स की पूरी कोशिश क्या होगी कि ये इस लेवल के ऊपर 3030 के लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दे, इसलिए और हम लोग एक पॉइंट ऐड करके चल सकते हैं जो कि इसको शो कर रहा है कि यहाँ पे बुलिश हो सकता है, राइट। लेकिन ऐसे सिचुएशन में अगर ये अपना लो ब्रेक करता है, हम लोग पूरा बुलिश सोच के प्लानिंग चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर ग्रीन रेड कैंडल बनने लगता है और इसको ब्रेक करता है तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग को फिर से नीचे वाली प्लानिंग करनी पड़ेगी। एंड लगभग लगभग हम लोग यहाँ पे जैसा कि बात किया 2780 की प्लानिंग फिर से करके चलेंगे। हो सकता है इस लेवल के आसपास क्लोजिंग दे, सेलर्स कोशिश करेंगे इसके नीचे यहाँ पे क्लोज करने की, चूंकि बट यहाँ पे एक स्ट्रांग बाइंग का जोन दिख रहा है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको इसके आसपास का लेवल लेके चलेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। डेली टाइम फ्रेम पे अगेन चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखेंगे तो थोड़ा सा आप यहाँ पे, चलिए हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए ये एक इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं जो कि ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है, क्योंकि अगर हम लोग इसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो सारे पॉइंट, ज़्यादा पॉइंट टच नहीं होंगे, तो हम इस पॉइंट्स को टच कर लेते हैं। तो अभी ये ट्रेंड लाइन हमारा इंटैक्ट है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म पर हमारा ट्रेंड लाइन था वो ब्रेकआउट हो गया। अभी हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग को नेक्स्ट डे मंडे के दिन यहाँ पे अगर एक ब्रेकआउट मिल जाता है, चूंकि ऐसा मिल भी सकता है, क्यों, क्योंकि बहुत से बहुत छोटे छोटे प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा था, तो इसको कंटिन्यूएशन में जा सकता है। और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलता है वन आवर टाइम फ्रेम पे, अगर हम लोग एक बार चेकिंग कर लेते हैं इसको, वन आवर टाइम फ्रेम पे अगर इसको क्लोजिंग नहीं, वन डे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट वीक में भी चूंकि ये बहुत नीचे सा था, फिर भी हम लोग यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन लेके चलेंगे, ठीक है। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे क्लोजिंग मिलता है तो लास्ट लास्ट में अगर क्लोजिंग स्ट्रांग मिल रही होगी तो यहाँ पे थोड़ा सा सोच सकते हैं इसके बारे में, या फिर उसके नेक्स्ट डे इसका हाई ब्रेक हो रहा होगा तब सोच सकते हैं अपना लो यहाँ पे इसके लास्ट स्विंग के नीचे एसएल प्लेस कर सकते हैं। और हम लोग जैसा कि आपने मैंने आपको बताया कि किस लेवल की हम लोग तैयारी करके रखे हैं, उस लेवल के लिए हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि एसएल छोटा होगा, प्लानिंग टारगेट बड़ा होगा, तो हम लोग ऊपर के लिए भी होल्ड करके रख सकते हैं कुछ प्रॉफिट बुकिंग के बाद। तो यहाँ पे एक अच्छा कैंडल बना है तो हम लोग ऊपर की प्लान कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अब इसको देख लेते हैं आज के दिन, अच्छी बात क्या है, अभी इस प्राइस एक्शन पैटर्न में हम लोग को ये अच्छी बात लगेगी कि यहाँ पे ये अपने रेजिस्टेंस के पास आया और ये रैली करने के बाद आधा दिन यहाँ पे वेट कर लिया। ये ऐसा नहीं हुआ कि जाके हिट करके यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, नो, यहाँ पे इसने वेट कर लिया। तो ऑलरेडी सेलर्स यहाँ पे ट्राई कर रहे थे यहाँ से नीचे लेके जाने की, लेकिन कहीं ना कहीं बायर्स इसको डिफेंड कर रहे थे, या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे सेलर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे और बायर्स यहाँ पे इस लेवल को होल्ड कर रहे थे, राइट। तो जैसे ही हम लोग को अगर मंडे को इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है, एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है और हम लोग इन लेवल्स की अब बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पे 2900 के आसपास एक स्ट्रांग सपोर्ट है, अगर ये नीचे गलती से आता है तो इस लेवल से बाउंस बैक हो सकता है और फिर ये इन लेवल्स को हिट करेगा तो हमें एक अच्छा टारगेट देके जाएगा। तो अगर एशियन पेंट्स का अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग को बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न नज़र आ रहा है अभी के लिए। तो हम लोग अगर मंडे के लिए अपने लेवल्स निकालने की कोशिश करेंगे तो लगभग लगभग इसको 2934 का ब्रेकआउट होने देते हैं, तब हम लोग लगभग लगभग इसका 2950 की एक प्लानिंग करके चलेंगे पहले टारगेट की। एंड जो सेकंड टारगेट होगा वो 2960 का होगा। नीचे की ओर बात किया तो नीचे की ओर जब तक यहाँ पे 2898 का लेवल, 2898 का लेवल इंटैक्ट है, तब तक हम लोग यहाँ पे नीचे की प्लानिंग नहीं करेंगे। इसके बीच में कुछ भी होता है तो हम लोग इसको नहीं देखने वाले। अगर गैप अप ओपन हो जाता है ऐसे सिचुएशन में तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ सकता है और इन लेवल से फिर यू टर्न ये हो सकता है, क्योंकि ये लेवल फिर एक सपोर्ट का काम करने लगेंगे, राइट। और गैप डाउन ज़्यादा ओपनिंग होता है तो याद रखिएगा, गैप डाउन ओपनिंग हुआ और उसके साथ गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये अगर ये लेवल ब्रेक डाउन कर रहा होगा तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। एंड ऐसे सिचुएशन में 2830 के लिए हम लोग को रेडी रहना चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पसंद आई होगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग अस।